हेलो सबको नमस्कार। आज हम जो बीएससी सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम आपके देखो सेकेंड यूनिट है, एक बीएससी सेकेंड ईयर में सेकेंड यूनिट है जिसका नाम है एल्कोल फिनोल इथर और एपोक्साइड। तो एल्कोल के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें, इसके बाद फिनोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इथर के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद थोड़ा एपोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एल्कोल के बारे में। तो आप हेडिंग लिख लो पहले, इसमें फर्स्ट लिख लो हेडिंग एल्कोहल, हेडिंग लिख लो आप एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल। अब देखो सबसे पहले कि एल्कोहल होते क्या है, व्हाट इज एल्कोहल, एल्कोहल है क्या। तो एल्कोहल के बारे में ये याद रखो, वे कंपाउंड जिनमें ओएच ग्रुप हो, इसका मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप हो ओएच। अब ओएच ग्रुप में अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, एनी कोई हाइड्रोकार्बन, उस हाइड्रोकार्बन में से अगर हम एक या एक से अधिक ओ एच या एच ग्रुप है या हाइड्रोजन है उसको वहां से रिमूव कर दें और कि वहां क्या जोड़ दें, हम ओ एच ग्रुप जोड़ दें, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, हम एल्कोहल बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, फर्स्ट पहला पॉइंट लिखो किसी हाइड्रोकार्बन में, किसी हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, परमाणुओं का प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन यदि ओ एच समूह के द्वारा कर दिया जाए, ओ एच समूह के द्वारा कर दिया जाए तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हो इन हाइड्रोकार्बन वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय ओएच ग्रुप देन वी ऑब्टेंड एल्कोहल, यानी हम एल्कोहल प्राप्त करते हैं। अब देखो इस तरह से लिखें, हाइड्रोकार्बन आर एच, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, क्या है हाइड्रोकार्बन, ये है हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश के अंदर भी आप लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, और अगर इसमें से एक एच को निकाल दें, यानी हम एक निकाल रहे हैं वहां पर एक या एक से अधिक निकाल सकते हो, एच निकाल दें और यहाँ क्या ऐड कर दें, ओ एच ग्रुप ऐड कर दें, तो जो हमें कंपाउंड प्राप्त होगा वी ऑब्टेंड एल्कोहल, ये कंपाउंड इसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो ना एल्कोहल क्या है, तब आप क्या करोगे कि हाइड्रोकार्बन में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को ओ एच ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए या ओ एच ग्रुप के द्वारा हटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। यानी इन हाइड्रोकार्बन वन मोर देन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाई ओ एच ग्रुप देन वी ऑब्टेन एल्कोहल, यानी हम एल्कोहल को प्राप्त करते हैं। अब देखो ये एल्कोहल है आर ओ एच। अब ये एल्कोहल जो है आपके जो टॉपिक है उस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, यानी ओएच वाले ग्रुप वाले एल्कोहल जो हैं इनको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको क्लासिफाई करने के हम अलग अलग हमारे पास तरीके हैं और उस तरीके में क्लासिफाई करने के लिए इसके मेन दो आधार या दो बेस है। तो अगला हेडिंग लिखो हमें, इसमें अगला हेडिंग लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, अगला लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, या हिंदी में क्या बोलेंगे, एल्कोहल का वर्गीकरण, क्या है एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण। इसके मेन दो बेस है, एल्कोहल को क्लासिफाई करने के दो बेस हैं, दो आधार हैं, दो आधार है बांटने के। अब दो आधार कौन से हैं, फर्स्ट करें नंबर एक। अब एक तो
किसका मेन बेस क्या क्लासिफाई करने का या वर्गीकृत करने का आधार क्या है कि ओ एच ग्रुप उस एल्कोहल में कितने हैं, वन है, टू है, थ्री है या थ्री मोर देन थ्री है, इस तरह से ओ एच ग्रुप की संख्या के आधार पर इसको क्लासिफाई करेंगे एक तो। और एक है ओ एच ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, यानी ओ एच ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन की नेचर क्या है, यानी उस कार्बन की प्रकृति क्या है, उसके आधार पर करेंगे। फर्स्ट पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एल्कोहल में ओ एच समूह की पहला आधार क्या है, ओ एच समूह की संख्या के आधार पर, ओ एच समूह की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप पहला। सेकेंड हमारे पास इसका बेस के आधार, सेकेंड क्या लिखेंगे, ओ एच समूह जुड़े हुए, ओ एच समूह जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर तो अपने बीएससी सेकेंड ईयर में जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने ये सेकेंड यूनिट है एल्कोहल, फिनोल, इथर और एपोक्साइड, उसमें हम सेकेंड में हमने पहला स्टार्ट किया है एल्कोहल के बारे में। तो एल्कोहल है क्या, फिर एल्कोहल का क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण, यानी उसके बांटने के मैंने दो बेस या दो आधार है, पहला क्या है नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप कितने हैं एल्कोहल में, उसके बेस पे एल्कोहल को क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें। दूसरा क्या है ओ एच ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की नेचर के आधार पर हम एल्कोहल को अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। तो सेकेंड क्या है ओ एच समूह जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर, यानी ओ एच ग्रुप अटैच कार्बन की नेचर के आधार पर, यानी नेचर ऑफ कार्बन अटैच ओ एच ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन अटैच ओ एच ग्रुप। अब देखो इसके आधार पर कितने टाइप में बांटेंगे, इसके आधार पर हम एल्कोहल कितने टाइप में बांटेंगे। फर्स्ट लेंगे पहला पॉइंट और पहला लिखो ए, और ए हमारे पास क्या है ओ एच समूह की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप, ओ एच ग्रुप की संख्या के आधार पर बांटेंगे। और इसके आधार पर है ना इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, आप इसी तरह से एक चार्ट बना लेंगे और इसी चार्ट के अंदर हम इसके अंदर लिखते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से अलग अलग टाइप में बांटेंगे और इसमें फर्स्ट जो है हमारा पहला, फर्स्ट को बोलते हैं नंबर एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सेकेंड को बोलते हैं डाईहाइड्रिक, इंग्लिश का नाम ऐसे हिंदी में लिखा हुआ आएगा ये, और इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। थर्ड है तीसरा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर ऐसे और करें तो आप कर सकते हो टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक, हेक्साहाइड्रिक, लेकिन हम जनरली क्या है ट्राई के बाद अधिक जोड़े हैं उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक, उसको हम पॉलीहाइड्रिक बोल देते हैं। तो फोर्थ लिखेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो मोनोहाइड्रिक मींस क्या है, मोनो मींस क्या होता है वन, तो जिन एल्कोहल में ओएच ग्रुप क्या हो एक जुड़ा हो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसके अंदर हम क्या लिख लेंगे इसी के नीचे इन एल्कोहल में
एल्कोहल में एक OH समूह उपस्थित होता है। इन दीज टाइप ऑफ एल्कोहल वन OH ग्रुप प्रेजेंट, यानी एक OH ग्रुप जुड़ा रहे। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखें कि जैसे आप लिखोगे ऐसे कि CH3OH, मेथिल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे C2H5OH, इसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। इस तरह से ये क्या है, मोनोहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH ग्रुप एक जुड़ा रहे, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो वन OH ग्रुप अटैच इन एल्कोहल, दैट्स कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक में क्या लिखोगे, सेम ऐसी लाइन लिखोगे आप कि इन एल्कोहल में दो OH समूह उपस्थित होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एल्कोहल टू OH ग्रुप प्रेजेंट। तो यानी इस प्रकार के एल्कोहल में दो OH ग्रुप हैं। फॉर एग्जांपल करें अगर इसका, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल दो OH लिख दो आप, तो हाइड्रोकार्बन में दो OH निकाल दें और दो OH जोड़ दें, जैसे ये, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल बोलेंगे। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल। इसी प्रकार से थर्ड, ये तीसरा, इसमें कितने लगेंगे, इन एल्कोहल में तीन OH समूह उपस्थित होते हैं। तीन OH समूह उपस्थित होते हैं, यानी इन दिस टाइप ऑफ एल्कोहल थ्री OH ग्रुप प्रेजेंट, तीन OH समूह उपस्थित हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से तीन लिख दो OH, एक दो ऐसे तीन, जैसे ग्लिसरॉल, ये क्या है, ग्लिसरॉल वाला एग्जांपल आ गया। इसी प्रकार से अगर तीन से अधिक हो, मोर देन थ्री, तब क्या बोलेंगे, इसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन एल्कोहल में तीन से अधिक, मोर देन थ्री, तीन से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल लिखें, फॉर एग्जाम्पल अब इसमें OH क्या करें, तीन से अधिक कर दें। इन दिस टाइप ऑफ एल्कोहल मोर देन थ्री OH ग्रुप प्रेजेंट, इन दिस टाइप ऑफ एल्कोहल मोर देन थ्री OH ग्रुप प्रेजेंट, दैट्स कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख दें, यूं देखो अगर हम 6 OH कर दें ऐसे, इस तरह से 6 लगा दें OH, चार फिर पांच और लास्ट में ये 6, ऐसे 6 OH लगा दें, इसको बोलते हैं सार्बिटोल। क्या नाम है इसका, सार्बिटोल। तो सार्बिटोल किसका एग्जांपल है, ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल है। तो एल्कोहल के क्लासिफिकेशन में पहला तो हमारे पास बेस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल, उसके आधार पे यानी OH समूह की संख्या के आधार पे एल्कोहल को हम मोनो मीन्स एक OH रहे, डाई मीन्स जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ट्राई मीन्स जिसमें तीन OH ग्रुप प्रेजेंट हो, और अगर तीन से ज्यादा हो जाए उसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन में पहला बेसिस हो गया हमारा नंबर ऑफ OH ग्रुप की बेस पे एल्कोहल का अलग अलग हम इसके टाइप लिखते हैं इसे, ये आपको याद रखना है। मोनो में जैसे मेथिल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल है,
है ना। डाई के अंदर जैसे हमने लिखा है एथिलीन ग्लाइकोल लिख दिया, दो OH ग्रुप लगा दिए, तीन लगा दिए OH, तो जैसे ग्लिसरॉल हो गया। अगर तीन से अधिक लगा दिए, जैसे छह लगा दिए मैंने, छह लगाते हैं तो सार्बिटोल बोलते हैं इसे। इसी प्रकार से मेनिटोल, जिसमें छह OH लगे रहे, सार्बिटोल और मेनिटोल के अंदर इस प्रकार से छह OH ग्रुप जुड़े रहते हैं। तो एक तो OH ग्रुप के बेस पे यानी एल्कोहल का क्लासिफिकेशन है। पहला हमारा बेस हो गया नंबर ऑफ OH ग्रुप। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, देखो सेकंड बेस क्या है, OH समूह जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पे, यानी नेचर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकंड क्या है, नेचर ऑफ, दूसरा क्या है, इंग्लिश वाला लिख लो सकते हो आप, नेचर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद OH ग्रुप। OH ग्रुप है उसके साथ कार्बन जुड़ा है, उस कार्बन की नेचर के आधार पे हम बांटेंगे। तो सेकंड हमारे पास दूसरा कौन सा हो गया, बांटने का सेकंड आधार हमारे पास क्या हो गया, सेकंड। इसके बाद अगला इस तरह से सेकंड लिखोगे बी, और बी में क्या लिखोगे, OH समूह जुड़े हुए कार्बन की प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड विद OH ग्रुप, यानी कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की नेचर कैसी है, उसके आधार पर इसके हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, तीन टाइप है। अब देखो नेचर कैसे करेंगे कार्बन की, नेचर का मतलब क्या है, इसके हम तीन टाइप करेंगे इसे इस तरह से। और तीन टाइप में देखो, एक को बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट को बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। पहला कौन सा है, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, ये इसको बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, या इसको लिखते हैं वन डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल को लिखने का तरीका एक डिग्री लिखते हैं, इसको वन डिग्री बोलते हैं, वन डिग्री पहला टाइप। सेकंड टाइप क्या है, दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल या बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। दूसरा कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, जिसको बोलेंगे दो डिग्री एल्कोहल इस तरह से। और एक है तीसरा हमारे पास टाइप है, वो है तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, जिसको बोलेंगे टर्शियरी एल्कोहल, यानी इसको तीन डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीन डिग्री एल्कोहल, या इसको टर्शियरी एल्कोहल कहा जाता है। अब एल्कोहल के तीन टाइप हो गए, अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इट्स मींस इसका अर्थ क्या है। अब देखो एल्कोहल जुड़ा हुआ कार्बन जो है ना, कार्बन, उस कार्बन पर अगर हम संकरण देखें, हाइब्रिडाइजेशन, सब पे क्या है, sp3 हो, क्या हो सब पर, sp3 हो, लेकिन OH जुड़ा हुआ कार्बन है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी संख्या के आधार पे इसको हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या लिखेंगे हम, इस टाइप से प्राइमरी में क्या लिखेंगे, इन एल्कोहल में OH समूह वाला कार्बन, OH समूह वाला कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। इसके अंदर क्या है,
OS ग्रुप कार्बन एटम अटैच्ड विद अनदर वन कार्बन एटम, यानी अगले एक कार्बन एटम जो जुड़ा रहे। और याद रखना इसके अंदर मुख्य ग्रुप जो आएगा ना, ये पहचानने का तरीका है, प्राइमरी पहचानोगे ना तो उसके अंदर कौन सा होता है ग्रुप समूह, उसमें आपको ये मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा ग्रुप समूह, ये मिलेगा आपको इस तरह से CH2OH, ऐसा ग्रुप मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? CH2OH ग्रुप मिले, ऐसे ये वाला CH2OH ग्रुप मिलेगा, जिसके अंदर मिले वो सारे क्या होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। ये याद रखना आपको। अब जैसे एग्जांपल लिखे ना, हम एग्जांपल लिखे कि जैसे क्यों लिख दिया कि CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल है ये? प्राइमरी। क्यों? कारण क्या है? इसमें कौन सा ग्रुप है? देखो CH2OH ये प्राइमरी है, यानी OH वाला कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और देखो एग्जांपल, देखो और देख सकते हो आप, जैसे मैंने यूं लिख दिया कि CH3, फिर लिख दिया CH3 दो लगा दिए है ना, फिर CH, फिर यहां CH2OH। अब देखो OH वाला कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है? OH वाला, देखो OH वाला तो देखो आगे एक कार्बन से लगा, ये आगे दो से जुड़ा है, तो ये तो आगे एक से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सा है? प्राइमरी है, तो इसमें CH2OH ग्रुप, देखो ये इस तरह से ग्रुप आ जाए। जिनमें CH2OH ग्रुप रहे, OH वाला कार्बन आगे अनदर वन कार्बन एटम जुड़ा रहे, अटैच रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल। मतलब ये जो ना CH2OH, ये प्राइमरी कार्बन है, ये क्या है? प्राथमिक कार्बन बोलते हैं इसको, ये प्राथमिक कार्बन है, और जिसके अंदर ये रहे वो सारे कहलाएंगे प्राथमिक एल्कोहल, या क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी एल्कोहल या वन डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। एक तो ये, इसके बाद देखो सेकेंडरी एल्कोहल में, सेकेंडरी में क्या है, इसमें क्या लिखोगे कि इन एल्कोहल में सेम इस तरह से ही, इन एल्कोहल में OH समूह वाला कार्बन आगे दो अन्य कार्बन के साथ जुड़ा रहता है इस तरह से। तो यानी OH ग्रुप कार्बन एटम अटैच विद अनदर टू कार्बन एटम, यानी अन्य दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहे, उसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। अब इसके अंदर ग्रुप कौन सा होगा, ये पॉइंट याद रखना है। अब प्राइमरी में ग्रुप कौन सा था? CH2OH था, लेकिन यहां पर ग्रुप कौन सा होगा? समूह यानी ग्रुप, तो यहां पर इस तरह से मिलेगा आपको, यूं ये ग्रुप मिलेगा CHOH ग्रुप, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए CHOH ग्रुप, ये वाला ग्रुप लिखा हुआ मिल जाए। वो सारे कौन से हैं? सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल कहलाएंगे। कि जैसे अभी लिखा मैंने यूं CH3, देखो CHOH ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी देखो, तो कौन सा है इसमें क्या लगा हुआ है? CHOH ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा है? सेकेंडरी एल्कोहल है। इसी प्रकार से जैसे और अगर लिखना चाहो तो आप और भी लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल, जैसे यूं लिख दिया मैंने अब की बार कि CH3CH2, जैसे CH3 फिर यहां CH, फिर लिख दिया नीचे CH3 और यहां लगा दिया CHOH। अब ये OH वाला कार्बन है आगे दो कार्बन से लगा हुआ है, ये आगे जुड़े हुए हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या है? CHOH ग्रुप। तो यहां पर भी कौन सा है? CHOH ग्रुप है। तो ये भी एल्कोहल कौन सा है? सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। तो प्राइमरी में CH2OH ग्रुप रहे, सेकेंडरी में CHOH ग्रुप रहे, वो द्वितीयक एल्कोहल कहलाएंगे। अब देखो टर्शियरी में देखें, द्वितीयक एल्कोहल में टर्शियरी में सेम यही लैंग्वेज, जहां लिखा रहा आपने OH आगे वाला कार्बन आगे एक से जुड़ा है या दो से जुड़ा है, यहां पर क्या होगा? तीन से लग जाएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि इन एल्कोहल में OH समूह वाला कार्बन OH समूह वाला कार्बन आगे
तीन अन्य, तीन अन्य कार्बन के साथ, तो तीन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है। तो इसमें क्या लिखोगे? OH attached carbon atom, another attached with three carbon atom, यानी आगे तीन अन्य कार्बन एटम जुड़ा रहे। और इसमें एग्जाम्पल लिखोगे ना, यदि समूह लिखे इसका ग्रुप, तो ग्रुप कौन सा होगा? अब प्राइमरी में ग्रुप कौन सा था? CH2OH। सेकेंडरी में ग्रुप क्या था? CHOH। और टर्सरी में ग्रुप क्या हो जाएगा? ऐसे इस तरह से C और OH U, तो जिनके अंदर इस तरह से COH ग्रुप जुड़ा रहे, ये वो कौन सा होगा? टर्सरी एल्कोल यानी तृतीयक एल्कोल कहलाएगा। अब तृतीयक में एग्जांपल लिखोगे ना, तो आप लिख सकते हो ऐसे एग्जांपल में इस तरह से, यू लिख दिया CH3 फिर CH3 फिर CH3, तीन लगा दिया ऐसे, और आगे तो OH वाला कार्बन है ना, वो आगे क्या है? तीन अन्य कार्बन एटम परमाणु से क्या साथ में क्या है? जुड़ा हुआ है ये। इस प्रकार से और एग्जांपल देखें। हेलो, हाँ सर, हाँ, इस तरह से तीन से लग जाएं, जैसे मैंने ये लिख दिया एग्जांपल, तो इसको सही लिखें इस तरह से, तो CH3 जैसे CH3 CH2, अब ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ पे ग्रुप कौन सा है? देखो दोनों के अंदर ग्रुप कौन से हैं? इस तरह से दोनों के अंदर देखो, यहाँ COH ग्रुप, यहाँ पर भी क्या देखो COH ग्रुप। ये कौन सा एल्कोहल है? टर्सरी यानी तृतीयक एल्कोहल का टाइप हो गया ये, तो एल्कोहल की टाइप है ये। तो एल्कोहल को क्लासिफाई करने के मेन दो बेस आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और बेस के अंदर पहला तो OH ग्रुप के बेस पे या नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पे उसको मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। और फिर दूसरा इसका क्लासिफिकेशन, उसका आधार कौन सा है, बेस कौन सा है, और क्या है अटैच OH ग्रुप कार्बन टेस्ट है, उसके आगे कितने कार्बन लगे हुए हैं या उस कार्बन की नेचर क्या है। उस कार्बन की नेचर तीन प्रकार की हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। प्राइमरी में आपको याद रखना है OH ग्रुप वाला कार्बन आगे अनदर एक कार्बन एटम जुड़ा रहे, सेकेंडरी में OH वाला कार्बन आगे अन्य दो कार्बन एटम से जुड़ा रहे, और टर्सरी में क्या है OH वाला कार्बन है वो आगे तीन अन्य कार्बन एटम या परमाणुओं से जुड़ा रहे। अब ये ग्रुप याद रखने हैं, ये मेन है बस। प्राइमरी में CH2OH ग्रुप रहे, सेकेंडरी में CHOH ग्रुप मिलेगा, और टर्सरी में आपको COH ग्रुप मिलेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये तो है एल्कोहल का क्या है क्लासिफिकेशन हो गया, यहां तक आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। जल्दी से इसको उतारो फटाफट, जल्दी करो। लिख लिया। इसके बाद ये तो है एल्कोहल है क्या, यहां तक अपना क्या हो गया एल्कोहल क्या है, उसके बाद एल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या है, उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है एल्कोहल का, और वो लिखो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। थर्ड लिखो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का नामकरण। अगला लिखो थर्ड पॉइंट है एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। अब देखो नामकरण में जो है ना, इसके अंदर आपको नोमेनक्लेचर के अंदर तीन सिस्टम है, एल्कोहल का नामकरण करने की तीन पद्धतियां हैं, तीन सिस्टम है। अब तीनों के नाम याद रखने, पहले तो आपको अगर नाम याद है ना तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से पढ़ सकते हो आराम से। सिस्टम तीन है इसके नोमेनक्लेचर के, वो तीन सिस्टम कौन से हैं? एक तो है सबसे पहले ओल्ड नोमेनक्लेचर, क्या बोलते हैं ओल्ड, या हिंदी में क्या बोलते हैं रूड नामकरण। एक तो है ओल्ड नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं रूड नामकरण, दूसरा है सेकंड, दो नंबर उसको बोलते हैं व्युत्पित या इसको बोलते हैं व्युत्पित के अलावा, इसका एक अलग से नाम है और एग्जाम में इस पे कई बार क्वेश्चन आता है,
और इसको बोलते हैं कार्बिनोल सिस्टम, कार्बिनोल नामकरण, यानी डिराइव्ड और कार्बिनोल सिस्टम, कार्बिनोल सिस्टम एक ये होता क्या है वो आगे करेंगे इसके बाद। और तीसरा है जो हमारा मेन चीर परिचित, जो हमें अब से रूप से सब बच्चों को आना चाहिए, ट्वेल्थ क्लास के अंदर भी आपने कर लिया, बीएससी फर्स्ट में भी कर लिया आपने, बीएससी सेकंड में आपका चल रहा है, और ये सब बच्चों को आना चाहिए। जब तक ये नोमेनक्लेचर नहीं आएगा तब तक आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर या नामकरण नहीं कर सकते। इसका बेसिस जो है ना मेन, इसके नामकरण के रूल्स वगैरह हैं, नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं, वो आपने पहले पढ़ लिए, थोड़ा जनरली मैं आपको यहाँ हल्का हल्का बताता चलूंगा, साथ में नामकरण कर देंगे तब, ठीक है ना। उसमें देखो थर्ड क्या है, आईयूपीएससी नामकरण, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है वैसे अगर पूछे तो, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सबको आता है इंग्लिश का। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बताओ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसका नाम, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध व अनुप्रयुक्त रसायन संघ। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध व अनुप्रयुक्त रसायन संघ, आईयूपीसी का हिंदी में नाम है, और इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये तीन सिस्टम है एल्कोहल के नोमेनक्लेचर या नामकरण के, तीन सिस्टम है, और इन तीन सिस्टम में एक तो रूड यानी सबसे ओल्ड नामकरण है जो पुराना है, दूसरा है व्युत्पित या इसको बोलते हैं कार्बिनोल, अधिकतर एग्जाम में ये कार्बिनोल लिखा हुआ आता है, व्युत्पित यानी डिराइव्ड या कार्बिनोल सिस्टम, और एक आईयूपीएससी है। इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, रूड नामकरण यानी ओल्ड नोमेनक्लेचर है पहला, फर्स्ट लिखो पहला हेडिंग, और पहला लिखो रूड नामकरण, रूड नामकरण या ओल्ड नोमेनक्लेचर है ये। और रूड नामकरण में क्या है, क्या करेंगे, जो आपको एल्कोहल दे रखा है ना उस एल्कोहल में कौन सा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे और एंड में एल्कोहल लगा देंगे, बस क्या लिखेंगे, यानी पुराने नामकरण में क्या करते थे, यानी जो एल्काइल ग्रुप है उस एल्काइल ग्रुप का नाम लिख के एंड में क्या लगा देंगे, एल्कोहल जोड़ देंगे। तो इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं कि इस नामकरण में क्या लिखोगे, कि इस नामकरण में एल्किल समूह का नाम लिखकर, एल्किल समूह का नाम लिखकर अंत में एल्कोहल जोड़ दिया जाता है, एल्कोहल जोड़ दिया जाता है। क्या लिखोगे, इन दिस नोमेनक्लेचर फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, फर्स्ट ऑफ नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड एंड में क्या लिखेंगे, एंड अटैच एल्कोहल, क्या लिख देंगे, एल्कोहल लिख देंगे लास्ट में। जैसे एग्जांपल लिखें, फॉर एग्जांपल क्या लिखो, देखे ऐसे लिख दें एग्जांपल CH3OH, क्या बोलेंगे इसको, मेथिल एल्कोहल, ऐसे तो ये मेथाइल ग्रुप है ना, आगे OH एल्कोहल, इसको लिख देंगे मेथिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ऐसे मेथिल एल्कोहल, यानी एल्किल ग्रुप का नाम लिखा एंड में क्या जोड़ दिया हमने, एल्कोहल जोड़ दिया इस तरह से। जैसे और देखें कि जैसे CH3 CH2 OH, अब ये ग्रुप कौन सा है, यहां देखें तो ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये क्या है, इथाइल वाला ग्रुप है ना, ये इथाइल एथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप का नाम लिखो लास्ट में एल्कोहल जोड़ दो, तो क्या हो गया इसका, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बोलेंगे, एथिल एल्कोहल इस तरह से। इसी प्रकार से जैसे यूं लिख दें
अब देखो इसमें ये एल्काइल वाला ग्रुप क्या बोलेंगे इसको, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? अब है तो जैसे तीन कार्बन है, एक कार्बन मिथाइल, दो तो इथाइल, तीन प्रोपाइल, चार ब्यूटाइल, पेंटाइल ऐसे बोलते हैं। तो तीन कार्बन तो प्रोपाइल तो है ही, यानी प्रोपिल। अब इसमें दो CH3 और एक CH हो ना, उसके नाम में लगाते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। तो इसके आइसो प्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल। लास्ट में OH तो एल्कोहल लगा देंगे। क्या लिखेंगे इसका नाम? आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल या आइसो प्रोपिल एल्कोहल हिंदी में, आइसो प्रोपिल एल्कोहल ऐसे बोल देंगे, इस तरह से, है ना। ऐसे ही जैसे और लिखो एग्जांपल में, इसको देख के बताना आप। जैसे ये लिख दिया अदर, एक एग्जांपल और है यूं, अब है तो चार कार्बन, चार के लिए ब्यूटाइल, लेकिन ये ग्रुप देखो CH3 CH3 CH, आइसो भी आ गया, तो इसका नाम आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या लिखेंगे इसका नाम? आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, हिंदी में आइसो ब्यूटिल एल्कोहल लिखते हैं इसे, इस तरह से। और अगर ऐसा लिखा हुआ आज देखो यू, इस तरह से, ऐसे लिख दूं मैं CH3 CH3 OH। अब देखो, और वैसे इसका नाम ये वाला नाम, अब देखो इसमें चार कार्बन है, चार के लिए ब्यूटाइल तो आएगा, लेकिन OH ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन एटम, अब बताओ OH ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन एटम कौन सा है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? अभी बताया मैंने, जिसमें COH ग्रुप हो क्या होता है वो? टर्सरी। और क्या बोलते टर्सरी को? तृतीयक। इसका नाम में आएगा ना, नाम में लिखेंगे ऐसे टर्सरी, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, या हिंदी में क्या लिखते हैं? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल ऐसे। तो कहने का मतलब है रूढ़ नामकरण हो ना, पुराना नामकरण लिखना हो, ओल्ड नोमेनक्लेचर, पुराने में क्या करेंगे? सबसे पहले एल्किल ग्रुप है उसका नाम लिखेंगे, और एल्किल ग्रुप का नाम लिखने के बाद लास्ट में क्या हम क्या करेंगे? एल्कोहल जोड़ देंगे OH के लिए, बस। तो फर्स्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप नाम, नोमेनक्लेचर ऑफ, है ना, नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, एंड लास्ट में क्या करेंगे? एल्कोहल ऐड कर देंगे, तो उसको बोलेंगे उसका रूड या पुराना नामकरण बोलते हैं, या इसको ओल्ड नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। तो पुराने में इस तरह से करना आपको, एल्काइल ग्रुप का नाम लिख के अंत में एल्कोहल जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड टाइप, दूसरा टाइप कौन सा था? व्युत्पित या कार्बिनोल सिस्टम। सेकंड क्या है? व्युत्पित या कार्बिनोल सिस्टम है, तो सेकंड लिखो बी, दूसरा व्युत्पित, ये क्या लिखेंगे? कार्बिनोल सिस्टम, डिराइव्ड या कार्बिनोल सिस्टम पद्धति, कार्बिनोल सिस्टम। अब देखो व्युत्पित या कार्बिनोल सिस्टम में है ना, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कार्बिनोल किसको बोलते हैं। तो इस सिस्टम में मतलब क्या करेंगे, किसी एक कंपाउंड जो है ना, उस कंपाउंड को मेन मान लेंगे, और मेन मान के बाकी जो एल्कोहल है ना उनको क्या करें, उसका डेरिवेटिव मानेंगे, उनका व्युत्पन्न मानेंगे। और इसमें एल्कोहल में क्या करें, क्या करते हैं CH3 OH, यानी मिथाइल एल्कोहल, यानी मिथिल एल्कोहल फर्स्ट कंपाउंड है, उसको मेन मानते हैं और उसका नाम रख दिया कार्बिनोल। और बाकी जो एल्कोहल बनाएंगे ना वो उसके डेरिवेटिव मानेंगे, ये इसके डेरिवेटिव यानी इसके व्युत्पन्न है सारे। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रथम सदस्य को, यानी फर्स्ट मेंबर को, प्रथम सदस्य को मुख्य मानकर, मुख्य मानकर
शेष को इसका व्युत्पन्न माना जाता है, व्युत्पन्न माना जाता है, यानी फर्स्ट मेंबर है उसको क्या मानेंगे, मेन, फर्स्ट मेंबर मेन मेंबर, एंड अदर आर डेरिवेटिव किसके, फर्स्ट मेंबर के, आगे वाले इस बाकी सारे हैं वो डेरिवेटिव किसके, पहले मेंबर के सारे डेरिवेटिव हैं। अब इसमें क्या माना गया कि CH3OH है, इसको क्या कार्बिनोल कहा गया, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, CH3OH को कार्बिनोल मानकर, यानी कार्बिनोल कहा गया तथा शेष को इसका व्युत्पन्न माना गया, शेष को इसका व्युत्पन्न माना गया। क्या करते हैं, CH3OH है ना, इसको बोलते कार्बिनोल, क्या बोलेंगे इसको, कार्बिनोल बोलेंगे, और बाकी का नोमेनक्लेचर इसी कार्बिनोल के बेस पे करेंगे। फर्स्ट मेंबर CH3OH इसको कार्बिनोल बोलेंगे, और बाकी जो इसके आगे वाले मेंबर है क्या करेंगे, उनको इनका डेरिवेटिव या इनका व्युत्पन्न माना जाता है, ये ध्यान रखना है। अब CH3OH कार्बिनोल है, अब देखो कैसे करें नाम, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, देखो करके इस तरह से लिख दिया CH2OH, ऐसे कर दिया CH3OH इस तरह से, और लिख दे यूं CH3CH2CH3SACH3COH। अब देखो इसमें क्या है, पहले वाले में ये वाला ग्रुप कौन सा है, ए कार्बन वाला, कार्बिनोल CH3OH, उसमें से हमने एक कार्बन, एक ये हाइड्रोजन हटाया, एक एच हटा के एक CH3 लगा दिया, एक एच निकाला CH3 लगा दिया, तो मतलब ये ग्रुप तो कार्बिनोल वाला ही है, और ये क्या है, एल्काइल ग्रुप, मेथिल है, इसका नाम क्या हो गया, मेथिल कार्बिनोल, इसका नाम क्या हो गया, मेथिल कार्बिनोल, या बोलेंगे मिथाइल कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल इस तरह से। इसमें देखो है तो ये कार्बिनोल वाला ग्रुप, उसमें से हमने दो एच निकाले, इसमें से दो एच निकाल के दो CH3 लगा दिए हमने, तो ये ग्रुप तो कार्बिनोल वाला ही, दो एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल समूह जुड़े हैं, तो इनका नाम लिख देंगे पहले, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल या डाईमेथिल कार्बिनोल, इसका नाम हो गया डाईमेथिल कार्बिनोल, क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल कार्बिनोल इस तरह से। इसमें देखें यहां इधर वाले में, अब देखो है तो वही ग्रुप CH3OH, इसमें से हमने तीनों एच निकाल दिए, निकाल के तीन एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए इसे, अब एल्काइल ग्रुप तीनों सेम नहीं है, अब सेम नहीं है तो एक तो इथाइल है, दो क्या है, इथाइल है, क्या करेंगे, इथाइल फिर दो मिथाइल के डाई मिथाइल, लास्ट में कार्बिनोल, क्या लिखेंगे, एथिल, और अगर तीनों CH3 होते तो ट्राई मेथिल कर देते हैं, एथिल डाई मेथिल कार्बिनोल, एथिल का नाम पहले क्यों लिखा है, क्यों अल्फाबेट में है ना, एथिल का नाम ई से स्टार्ट होता है, पहले आता है, मिथाइल का नाम एम से स्टार्ट होता है, एम बाद में आता है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए ना तो अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आए ना उसका नाम पहले लिखा जाता है नोमेनक्लेचर में, तो यहाँ हमने लिखा एथिल डाई मिथाइल कार्बिनोल इस तरह से, इथाइल डाई मिथाइल कार्बिनोल इस तरह से यू लिखेंगे, तो इसका ये कार्बिनोल सिस्टम है, क्या बोलेंगे इसको, कार्बिनोल सिस्टम या व्युत्पित पद्धति, यानी आगे वाले कंपाउंड को जो मेन माना उसका व्युत्पन्न माना, कि है तो इसी के, ये सारे इसी के, ये
इस वजह से एच निकाल निकाल के हमने बनाए हैं, इसका मतलब सारे इसके डेरिवेटिव हैं सारे। तो एक को मेन माना, उसको कार्बिनोल बोल दिया, बाकी सारे कार्बिनोल के क्या डेरिवेटिव हैं यानी व्युत्पन्न है, इसलिए इसको व्युत्पित पद्धति यानी डिराइव्ड सिस्टम बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कार्बिनोल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा याद रखना है, इस तरह से करना आपको। उसके बाद थर्ड देखो, तीसरा कौन सा है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। और IUPAC में क्या अलग अलग बहुत सारे रूल हैं जो अब अपन यहाँ पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, अपने एल्कोहल से संबंधित चीजें करेंगे। अब देखो एल्कोहल में नाम लिखोगे ना, तो सबसे पहले क्या है, IUPAC सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट होता है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन यानी सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे सबसे पहले। और OH ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है यानी क्रियात्मक समूह है, तो नंबरिंग करेंगे ना, तो OH को ध्यान में रखना है, ये थोड़ा कम नंबर मिले इसको, नंबरिंग इसकी नज़दीक आए उस साइड से नंबरिंग करेंगे, ये ध्यान रखना है बस। बाकी आपको पता है IUPAC सिस्टम में जो नाम लिखते हैं ना, तो नाम लिखने में आप एक क्रम याद रखो, एक सिक्वेंस याद रखो, सबसे पहले प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट का नाम आता है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आगे, उसके आगे सिंबल कार्बन का, कार्बन का संकेत कितने कार्बन है, मेथ एथ ब्यूट प्रोप वो लिखते हैं, वो लिखेंगे। उसके आगे फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का ईन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है उसके आगे ट्रिपल बॉन्ड का आइन आ जाएगा, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम यानी क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाता है। तो पहले प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट का नाम, फिर नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, उसके बाद ईन डबल बॉन्ड की अगर है तो ईन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी है तो आगे आइन आ जाएगा, अगर नहीं छूट जाएगा, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे, यही क्रम याद रखना है। और देखो ये एल्कोहल जो है, अभी हमने कहा ना कि हाइड्रोकार्बन में से एक एच निकाला या एक से अधिक एच निकाला और OH जोड़ दिए, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन तो है ही, और हाइड्रोकार्बन में OH जोड़ा है, और हाइड्रोकार्बन होते क्या है, एल्केन, मेन ये एल्केन है सिंगल बॉन्ड वाले, तो एल्केन लास्ट में OH ग्रुप के लिए, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, लास्ट में इसका OH ग्रुप है उसके लिए लास्ट में हम क्या लगाएंगे नोमेनक्लेचर में, एक लगाते हैं प्रीफिक्स, ये लगाते हैं सफिक्स, प्रीफिक्स पहले लगाते हैं प्रतिस्थापी के लिए सब्स्टिट्यूट के लिए, और सफिक्स लगाते हैं क्रियात्मक समूह लास्ट वाले ग्रुप के लिए, लास्ट में लगाते हैं। तो सफिक्स क्या लगाएंगे, ओल लगाएंगे, ओवल, ओल, ओल लगाना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो दो चार एग्जाम्पल करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इस तरह से देखो, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक बार, इस तरह से इनको हम सोल्व करते जाएंगे आगे, इस तरह से लिखते जाओ आप भी साथ साथ, इस तरह से CH3 OH, फिर ऐसे CH3 CH2 CH2 OH, इस तरह से लिखते जाएंगे, वो लिख दूं यहाँ CH3 CH CH2 CH CH2 OH, इस तरह से इनके नाम लिखते जाएं, और लिख लो आपकी मर्जी है, और लिख सकते हो ऐसे CH3 CH CH3 या CH CL CH2 OH, कोई भी हो, किसी का इजीली नाम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको नाम लिखने का थोड़ा आइडिया रहे बस, ज्यादा अपने उससे मतलब नहीं है। आगे हम जब रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट काम में लेंगे, उनके हम साथ साथ में नाम लिखते चलेंगे, तो आपके बेहतर समझ में आएगा, साथ साथ लिखेंगे तब आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे साथ साथ में कैसे उसका नाम लिखा मैंने, या थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा हिंट के रूप में देख लो किस तरह से इसका नाम लिखते, थोड़ा सा आपके रिकॉल हो जाए जो आपने पीछे पढ़ा है कभी, IUPAC नोमेनक्लेचर रिकॉल हो जाए, थोड़ा रिकॉल होते ही अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे, पहले वाले में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की लंबी श्रृंखला यही है, इसका मतलब एक कार्बन है। अब मैंने कहा कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी का नाम आता है, अब यहां सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन आएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, उसके बाद OH यानी ओल आ जाएगा, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, एक, एक के लिए कहता है मेथ, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन मेथेन, लास्ट में OH के लिए ओल, तो क्या हो जाएगा मेथेनोल, तो इसका नाम क्या हो गया मेथेनोल, ऐसे मेथेनोल,
इंग्लिश वाला लिख सकते हैं ऐसे, हिंदी का नाम इंग्लिश में लिखते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो इसमें कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन ये। अब दो कार्बन के लिए क्या था, एथेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या गया एथेनॉल। इजी है ये तो, ये दो नाम तो आपको आनी चाहिए, एथेनॉल एथेनॉल इस तरह से। अब देखो इसमें अब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, अब ध्यान रखना OH को साथ, OH से कार्बन नहीं है, OH जिस कार्बन पर जुड़ा है उस कार्बन को श्रृंखला यानी चेन में शामिल करना जरूरी है, ये ध्यान रखना बस, फिर उसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। देखो कैसे करेंगे, यूं यहां देखो ऐसे, ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन। अब OH है ना पहले कार्बन पर नहीं है, अब लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहां से करें तो 1 2 पे आ रहा है OH, यहां से 1 2 दोनों साइड में सेम ही आ रहा है, किस साइड से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां नंबरिंग का फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी मर्जी है 1 2 3 1 2 3। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट है नहीं, प्रतिस्थापी नहीं छूट गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 3 के लिए आएगा प्रोप। अब बताओ कहीं डबल बॉन्ड है क्या, कहीं नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन प्रोपेन। लास्ट में OH के लिए आएगा ओल। अब OH कितने पर है, इसकी पोजीशन दर्शाना जरूरी है, इसकी पोजीशन तो कितने में, 2 पे लगा देंगे 2 ol ऐसे, या ऐसे लिख देंगे इंग्लिश में प्रोपेन 2 ol इस तरह से। इसका देखो इस वाले में, अब देखो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब OH वाला कार्बन तो लेना पड़ेगा आपको, यहां से चलना है हमें। अब किधर जाएंगे लंबी हो जाएंगे, इधर जाओगे 3 कार्बन, इधर जाओगे 4 आ जाएंगे, तो यानी हम यहां से चले ऐसे, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब इसके बाहर रह गया, ये चेन के बाहर रह गया, और चेन के बाहर जो ग्रुप रह जाए ना उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी बोलते हैं, ये प्रतिस्थापी है। अब हमारे पास, अब देखो पहले हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में OH वाला कार्बन उसको पास्ट में नंबर मिलेंगे। अब देखो फर्स्ट पे आ रहा है ये, 3 से कर देंगे नंबरिंग, 1 2 3 4। अब नंबरिंग में करने के बाद नोमेनक्लेचर करोगे, नाम लिखोगे, तब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी क्या है, CH3, क्या बोलते हैं CH3 को, मिथाइल यानी मेथिल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मेथिल यानी मिथाइल, यानी मेथिल है ये, मेथिल कितने पर है, 2 पे सेकंड कार्बन, तो 2 मेथिल इसकी पोजिशन भी लगाएंगे, 2 मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन है, 4, क्या गया 4 के लिए, ब्यूट ब्यूट। अब सारे सिंगल बॉन्ड वाले करे मैंने, तो आपको एन लगाना है, ब्यूटेन। लास्ट में एक पर क्या है, ओल, OH ओल, या एक पर लिखाओ ना दिखाओ एक को, ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो इसको मिला के आप, तो ऐसे 2-methyl-butanol इस तरह से। इसमें देखो यानी OH वाला कार्बन तो लेना ही है यहां, अब किधर तले लंबी हो जाए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब हो रही है, इधर जाओ तब भी 4 है, इधर आओ तब भी 4, यहां भी 4 है। अब इधर चले जाओगे ना तो ग्रुप एक बचेगा, ये सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी वाला ग्रुप एक बचेगा ये, और इधर आ जाओगे ना ऐसे, या इधर एक ही बात है, दोनों ये दोनों सेम ही है, इधर चले जाओ तो इसमें ग्रुप एक ही बच जाएगा, एक ही बच जाएगी। तो याद रखो अगर चेन में कार्बन सेम आ रहे हो और अगर सब्स्टिट्यूट का अंतर आ रहा हो ना, तब उस चेन को सिलेक्ट करेंगे, उसको चेन को हमें चेन करना है जिसमें अधिक से अधिक क्या प्रतिस्थापी रहे, यानी मोर देन, ज्यादा ज्यादा क्या रहे, सब्स्टिट्यूट रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ले लें, ये सही रहेगी इस तरह से। अब ये बाहर क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूट इस तरह से। अब पहले नंबरिंग कर दो, यहां से करोगे नंबरिंग 1 2 3 4। अब एक तो इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल, इथाइल ई से, मिथाइल एम से, पहले किसका आएगा, इथाइल अल्फाबेट से पहले इथाइल का नाम आएगा, इथाइल, तो यहां लिखेंगे क्या लिखोगे, 2-ethyl, तो 2-ethyl, फिर 3-methyl, 3-methyl, कितने कार्बन है श्रृंखला में, 4-but, सारे एन ब्यूटेन, लास्ट में एक OH एक पर है तो ब्यूटेनॉल, क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, 2-ethyl-3-methyl-butanol लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। आगे वाला देखो, इसको लॉन्गेस्ट चेन सीधी होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिलेक्ट करने है आपको।
नंबरिंग यहां से कर दोगे 1, 2, 3, 4 ऐसे। पहले सब्स्टिट्यूट या क्लोरो आ गया, यहाँ मिथाइल, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, पहले क्लोरो का आएगा, कितने पर है 2 पे, तो 2 क्लोरो, फिर 3 मेथिल, फिर कितने कार्बन है 4, और OH एक पर है तो ब्यूटेनॉल। तो क्या लिखोगे 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, इस तरह से। और भी हम कर सकते हैं एग्जांपल, बहुत सारे हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको एक बार आइडिया रहे आईयूपीसी नोमेनक्लेचर में कैसे करते हैं। याद रखो एल्केन का आईयूपीसी नोमेनक्लेचर में नाम लिखोगे ना तो उसका नाम एल्केनॉल लिखते हैं, क्या लिखते हैं एल्केनॉल के रूप में लिखते हैं एल्केनॉल। अब बाकी आपको करने थोड़ा तरीका बताया मैंने, थोड़ा जनरल आप याद रखो। तो आज हमने क्या पढ़ा इसमें देखो, सबसे पहले है ना एल्कोहल है क्या, एक बार देख लो दोबारा एक बार फटाफट, सबसे पहले क्या है व्हाट इज एल्कोहल, एल्कोहल क्या है, हाइड्रोकार्बन में एक से या एक से अधिक एच को टाके OH लगा दे तो एल्कोहल बन जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा कि एल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या है, उसका वर्गीकरण कैसे है, OH ग्रुप की संख्या के आधार पे कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, और OH वाला कार्बन जुड़ा हुआ उस कार्बन के नेचर क्या है, प्रकृति क्या, उसके आधार पे बांटते हैं। फिर हमने कहा कि OH ग्रुप की संख्या के आधार पे 4 प्रकार है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। मोनो में 1 OH, डाई में 2 OH, ट्राई में 3 OH, टेट्रा में 4 OH जुड़ जाएंगे, एग्जांपल हमने कर लिए। इसके बाद देखो अगला OH ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन उसकी नेचर कैसी है, OH वाला ग्रुप वाला कार्बन है वो sp3 है सब में, लेकिन वो हो सकता है प्राइमरी हो, सेकेंडरी और टर्सरी हो, तीन प्रकार के एल्कोहल हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसमें CH2OH ग्रुप रहेगा, इसमें CHOH ग्रुप, इसमें COH ग्रुप रहेगा, एग्जांपल इसके आधार पे हमने कर लिए सारे, दोबारा देख लेना आप। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का नामकरण है, और इसके नामकरण या नोमेनक्लेचर के तीन सिस्टम या तीन पद्धतियां हैं, रूढ़ नामकरण, पुराना नामकरण, दूसरा डिराइव्ड या कार्बिनोल यानी व्युत्पित या कार्बिनोल सिस्टम, तीसरा है IUPAC। तो हमने पहले ओल्ड वाला किया है, और ओल्ड वाले में हमने क्या किया देखो, पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा है, आगे एल्कोहल जोड़ दिया बस, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, ऐसे एल्काइल ग्रुप का नाम लिख के लास्ट में एल्कोहल जोड़ने, सबके हमने ऐसे नाम लिखे हैं देखो। उसके बाद देखो व्युत्पित या कार्बिनोल सिस्टम, कार्बिनोल में क्या है CH3OH को मेन मानते हैं, बाकी इसके सारे व्युत्पन्न या इसके डेरिवेटिव मानते हैं, और CH3OH को कार्बिनोल बोलते हैं, इसके आधार पर इसका नामकरण लिखा है, सब ने हमने ऐसे करें देखो, इसमें लिखा हुआ सारा आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखो अगला IUPAC नोमेनक्लेचर, और IUPAC में क्या है एल्कोहल का नोमेनक्लेचर क्या है, एल्केनॉल के रूप में करते हैं। फिर हमने थोड़ा सा हमने आपको बताया याद इसको करने का तरीका, थोड़े से इसके रूल्स वगैरह हैं वो हमने थोड़े डिस्कस किए, और आगे हम और भी पढ़ेंगे ना तब साथ साथ इसका नामकरण तो पूरे चैप्टर में साथ साथ चलेगा, तो नोमेनक्लेचर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पूरे चैप्टर के साथ साथ हम नोमेनक्लेचर करते जाएंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज अपना यहाँ तक हो गया, एल्कोहल है क्या, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो गया वर्गीकरण, और एल्कोहल का हो गया नामकरण यानी उसका नोमेनक्लेचर, यहाँ तक पूरा हो गया ये, ठीक है ना। कल इसका आगे अलग पार्ट करेंगे, इसमें थोड़ी सी आइसोमेरिज्म देखेंगे, कौन कौन सी एल्कोहल में समावयता कौन कौन से हो सकती है वो करेंगे, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन मेथड करेंगे, बनाने की विधियाँ करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।